हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइड वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि SSC ग्रुप बी NTPC DRDO में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो बिना किसी देरी को सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है घरेलू तार का प्रयोग किया जाता है। घरेलू तार का फ्यूज तार प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूज तार दोस्तों जो होता है हमारा, वो क्या जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, अति उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन बी निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन सी उच्च गलनांक होता है। ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, निम्न होता है। ठीक है। और रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होती है। ठीक है, यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। अगला है फ्यूज का तार बना होता है सीसा और लोहा का। ऑप्शन नंबर बी सीसा, तांबा और सीसा का। ऑप्शन नंबर सी सीसा और टिन का। ऑप्शन नंबर डी सीसा का। दोस्तों ये सीसा और टिन का क्या है, एलॉय होता है। सीसा और टिन क्या होता है, ऑप्शन एलॉय होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला है निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है, लाख, सीसा, चारकोल, एबोनाइट। तो दोस्तों लाख जो होता है विद्युत क्या कुछ अलग, मतलब विद्युत धारा प्रवाह नहीं, विद्युत क्या कुछ अलग होता है, ये भी सीसा भी कुछ अलग होता है, एबोनाइट भी विद्युत कुछ अलग होता है, लेकिन चारकोल क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, कुछ अलग होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या राइट है। अगला है जो तत्व तो बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वह है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सल्फर, ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। दोस्तों पोटेशियम भी सहायता करता है, एल्यूमिनियम भी और मैग्नीशियम भी। जो सल्फर हमारा क्या है, सल्फर क्या होता है, विद्युत प्रवाह में सहायता नहीं करता है। अगला है दोस्तों अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, बहुत अधिक होता है। दोस्तों अमीटर के प्रतिरोध शंट की अपेक्षा कहता है बहुत, यानी कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेगर मापने का उपकरण है, बहुत कम प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर बी इंसुलेशन प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी क्वाइल, एक क्वाइल का क्यों, ऑप्शन नंबर डी एक क्वाइल का प्रेरकत्व। दोस्तों इंसुलेशन मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट है, इंसुलेशन प्रतिरोध। अगला हमारा दोस्तों स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर एक सीसा, ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। तो हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक क्या है, राइट है, सीसा का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, वो हमारा क्या होता है, AC को DC में बदलने के लिए, AC को DC में, जो डिवाइस AC को DC में बदलता है उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं। तो रेक्टिफायर का प्रयोग कहाँ जाता है, AC को DC में बदलने के लिए भी। दोस्तों ये सबसे पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों कुछ कॉमन सा टर्म है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, कुछ कॉमन टर्म है, जैसे क्या दोस्तों, प्रेरकत्व, क्या दोस्तों, प्रेरकत्व क्या होता है दोस्तों, जो होता है विद्युत प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है। प्रेरकत्व क्या होता है, जिसे बोलते हैं क्या, कंडक्टेंस, क्या बोलते हैं दोस्तों, कंडक्टेंस, जिसे बोलते हैं क्या, प्रेरकत्व होता है दोस्तों, क्या, जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसके उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है। G = होता है 1/R होता है, 1/R होता है। R मार दोस्तों क्या है, प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध या रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं। इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है, ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। या जिसे मो भी बोल सकते हो, क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे हम, मो कहेंगे, क्या बोलेंगे, मो। अगला दोस्तों इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसे बोलते हैं दोस्तों विद्युत चालकता,
विद्युत चालकता। जो दोस्तों विद्युत प्रतिरोधक प्रतिरोधकता है उसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। यानी सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/s। ये क्या है? प्रतिरोधकता। विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, एक होता है हमारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है दोस्तों? कोई जो बैटरी होती है उच्च, उसे क्या होता है? उच्च वोल्टेज लेवल और निम्न वोल्टेज लेवल के जो डिफरेंस होता है उसे विद्युत वाहक बल। यानी किसी सेल के अंदर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, सेल क्या होता है दोस्तों? बैटरी क्या होता है? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेल क्या होता है? जो रासायनिक वह डिवाइस जो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है? ये कोई सर्किट है, यहाँ से हमने क्या कर दिया? एक वर्ट एक एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, इस तरह बल्ब लगा दिया, स्टोरेज भेजते हैं यहाँ, प्लस साइड सिरा हो गया, माइनस सिरा होगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगी, यहाँ पर वोल्टेज लेवल हमारा क्या है? यहाँ वी ए समझ लो, यहाँ क्या है? वीबी। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों हमारा वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल होगा। यहाँ से हो जाएगा ई एम एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे दोस्तों हाई हुआ, यहाँ क्या लो हो जाएगा? यानी वी बी माइनस कितना हो जाएगा? वी ए हो जाएगा। ठीक है, वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। इसे दोस्तों एप्सिलॉन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, इससे एप्सिलॉन भी दिखा सकते हैं इसको। ये वी बी माइनस कितना हो जाएगा? वी ए हो जाएगा। दोस्तों इसका मात्रक क्या होता है? विद्युत वाहक वोल्ट का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, कोई अमीटर है, कोई गैल्वेनोमीटर है, कोई गैल्वेनोमीटर है, उसको क्या धारा मापी कैसे बना सकते हैं? अमीटर कैसे बनाया जा सकता है? तो दोस्तों जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर उसमें दोस्तों शंट लगा देते हैं। शंट का प्रयोग करके क्या करेंगे? शंट का प्रयोग यूज करके उसे क्या कर देंगे? एमीटर बनाया जा सकता है। कैसा? एमीटर को बनाया जा सकता है। दोस्तों एक क्वेश्चन है दो कि देख लो, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन कुछ हमारा इस टाइप का है। एक कोई मान लो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें क्या है? 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। इसका टर्मिनल मान लो ये है, ये हमारा क्या है? बी टर्मिनल है। इस पर मान लो क्या कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, यहाँ 1 ओम, यहाँ 1 ओम, और यहाँ भी क्या 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो पूछ रहा है क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी क्या सर्किट में तुल्य रेजिस्टेंस यानी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों बात करते हैं, देखते हैं, यहाँ से देखते हैं 2 ओम, 2 ओम का प्रतिरोध किसमें है? ये किसमें है दोस्तों? ये सीरीज में है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कितना? तो यहाँ से मतलब पैरेलल में है, सामने सामने तो पैरेलल में है, तो वहां ना पाने, यहाँ से R1 मान लो। ठीक है, इसको क्या मान लो? R1 मान लो। 1 बटा कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1/2, टोटल हो जाएगा 2, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ 1/R1 = 2 हो जाएगा, कितना? 2/2 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। तो R1 = 2 कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सब क्या पैरेलल में है? क्या है? पैरेलल में है, तो यहाँ से R2 जब निकालेंगे तो 1/R2 कैसे निकालेंगे? 1/R2 = हो जाएगा कितना? 1/1 + 1/1 + 1/1। तो टोटल रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 1 LCM हो जाएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 1/R2 हो जाएगा। ये 3/1,
यानी ऊपर 3 हो जाएगा, तो यहाँ से R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा, R2 इक्वल टू 3 ओम आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अब यहाँ की जगह यहाँ यहाँ पर 3 ओम लगा देंगे और यहाँ पर 1 ओम। अब ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों क्या है, सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में हो जाएंगे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या ना, जब ये दोनों सीरीज में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ से R3 इक्वल टू हो जाएगा, R3 इक्वल टू जब सीरीज में हो जाएंगे टोटल टोटल ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 ओम प्लस 3 ओम, तो R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसका वैल्यू निकालिए। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 4 ओम, यहाँ पर 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 ओम प्लस यहाँ पर 4 ओम हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर 1 ओम हुआ है और यहाँ पर हमारा कितना हुआ, दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर जो हुआ था हमारा कितना हुआ था, 3/1 R2 इक्वल हुआ था। हाँ सर, R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/3 ओम हो जाएगा, 1/3 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ से, ये 1 ओम है प्लस 1/3 ओम ये हो जाएगा, तो 3 × 3 = 1 कितना, 4/3 हो जाएगा, 4/3 ओम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ R3 वैल्यू। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से ये हमारा क्या है, ये टोटल कितना, 4/3 प्लस ये कितना हुआ, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में हो जाएंगे, यानी ये दोनों सामने सामने हो जाएंगे। यहाँ से कितना निकाल लेंगे, 1/R इक्वल टू हो जाएगा, अब दोनों रेजिस्टेंस होते हैं इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 1/4 ओम प्लस ये करेंगे कितना, 4/3, तो ऊपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टोटल यहाँ भी एलसीएम कितना, 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 × 3 = 1, 4 हो जाएगा, 4/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों, इक्वल टू कितना, 1 ओम। हमारा आंसर कितना आ गया, 1 ओम, ठीक है। दोस्तों यदि आपको समझ में आया होगा तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, यदि दोस्तों समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।